राइट, हाय देयर, स्वागत है आप सबका हमारे क्रिकेट शो में, जिसमें हम हर वक्त क्रिकेट के बारे में गप्पे लगाते हैं। मुझे पता नहीं आप हमें मिस करते हैं या नहीं, लेकिन हम आपको ज्यादा मिस इसलिए करते हैं क्योंकि कोई है नहीं क्रिकेट के बारे में बात करने के लिए, तो हम ऐसे ऑनलाइन आते हैं। जेमी, मैं और अर्जुन तो अक्सर रहते हैं, अर्जुन भी आएंगे बाद में, गेस्ट अपियरेंस देंगे इस शो में लेकिन थोड़ी देर बाद। लेकिन आज हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है। देखिए, आप सब जानते हैं कि ये जो टाइम है थोड़ा सा सीरियस चल रहा है, थोड़ा सा डिप्रेसिंग है हम सबके लिए घर में बैठने के लिए। तो हमारा क्या यहाँ पर एंडेवर है, हमारी कोशिश क्या है कि हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे तो आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करेंगे। कोरोना के बारे में तो आपको बहुत जानकारी मिल ही रही होगी न्यूज चैनल्स में, लेकिन आप में से जो ज्यादातर लोग हैं हमारी तरह जो क्रिकेट मिस करते हैं, हम उनके लिए शो लेके आते हैं ताकि आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सके, क्रिकेट के बारे में चर्चा कर सके। क्रिकेट लाइव नहीं है तो उन मुद्दों पे हम बात कर सके जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं जब लाइव क्रिकेट चल रहा होता है। तो कुछ ऐसा ही टॉपिक आज भी हमने निकाला है। हम बात करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में, जिसे सिर्फ हम ही इग्नोर नहीं करते, बीसीसीआई भी लगातार इग्नोर करता आया है, तो इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए हमने कहा हमारे साथ खास मेहमान है, अमोल खरड़कर है हमारे साथ, क्रिकेट राइटर है, द हिंदू अखबार के लिए काम करते हैं और पिछले 16-17 सालों से वो काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट कवर कर रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है 16-17 सालों में कि हमारे साथ आए हैं शो पे, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जेमी को आप अक्सर देखते हैं, जेमी आपने अभी थोड़ा सा मैंने देखा है क्या जोशी का अवतार लिया हुआ है, तो जल्दी से इसके क्रिकेट के बारे में चर्चा करें। जल्दी से बता दें दो चीजें कि कोरोना कब जा रहा है और क्रिकेट कब शुरू हो रहा है। देखिए, कोरोना कब जाएगा ये तो कोरोना भी नहीं जानता होगा शायद, और मतलब बड़े दुख होता है मुझे कहने में, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने तो अपने आप में ही ये मान लिया कि शायद हम बहुत बहुत महीने तक कोई क्रिकेट नहीं देख पाएंगे। Like I said, it hurts, but that is the bitter truth. I don't think anyone has the answer. तो चलिए आज का जो है डिस्कशन बात करते हैं, कुछ पॉजिटिविटी शायद निकालेंगे हम। जो आंसर हम दे सकते हैं हम उसकी कोशिश करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है, देखिए इंडिया इस वक्त क्रिकेट का पावर हाउस है, नॉट जस्ट फील्ड पे, परफॉर्मेंस के साथ तो है ही, वन ऑफ द टॉप टीम्स है, बट फाइनेंशियली भी काफी सालों से पावर हाउस रहा है। तो जब क्रिकेट सेंटर हो गया है, भारत जो है क्रिकेट का सेंटर हो गया है, इतनी पॉपुलैरिटी है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं पॉपुलर हो पा रहा है, क्यों नहीं आते दर्शक स्टेडियम में। अमोल, आपके क्या ख्याल आते हैं भाई, आपको कैसा महसूस होता है कि क्या कहते हैं एक डॉग एंड मैन और एक क्रिकेट मैच चल रहा है, दो लोग बैठे हैं और आप उन चुनिंदा पत्रकारों में से हैं, पांच लोग कुल मिलके एक मैच देख रहे हैं जिसमें दो अच्छी टीमें खेल रही हैं, दो अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं और दर्शक नहीं। हेलो, डोमेस्टिक क्रिकेट और अच्छा और सुनहरा, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, दर्शक कब आएंगे ये आजकल टेस्ट क्रिकेट में भी ज्यादा सोचा जाता है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में तो जरा ज्यादा ही है, दर्शकों की किसी को पड़ी नहीं है। बिना दर्शकों के जो क्रिकेट खेल रहा है उसको भी, जो क्रिकेट खिला रहा है या बोर्ड हो या स्टेट एसोसिएशन हो, उन लोग को भी ज्यादा कुछ पड़ी नहीं है। प्लेयर लोग को अगर दर्शक आ गए तो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है प्लेयर लोग को कि यार ये लोग कहाँ से आ गए, हम लोग तो इतना आदत है हम लोग को खाली सीटें देखते हुए खेलने का। तो आई थिंक दर्शक होना या ना होना ये डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए मायने नहीं रखता, अनफॉर्चुनेटली। क्यों ऐसा अमोल, आपको क्यों लग रहा है, ऐसा क्या है? देखिए, क्या बीसीसीआई को अगर यहाँ से फाइनेंशियल गेन्स मिलते तो शायद इस पे ध्यान देते, यहाँ से कुछ नहीं मिलता पैसा, आप इंटरनेशनल क्रिकेट से कमा लेते हैं, आईपीएल से कमा लेते हैं, तो इसको हम चलाते रहेंगे, क्या ये एटीट्यूड है जिसकी वजह से नहीं चल पा रहा? देखो, अभी निखिल इंडिया में 400 से 500 डोमेस्टिक क्रिकेटर है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, ओके 400 से 500, उन सब लोग का वो जो रेगुलरली खेलते हैं पूरा सीजन, उनका घर तो डोमेस्टिक क्रिकेट से ही चलता है, पैसा नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके आगे एक स्टेप जो लेना है जिसका ओनर्स जितना बीसीसीआई पे है उतना स्टेट एसोसिएशन पे है, तो अगर जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट पॉपुलराइज करने की, उसका ब्रांडिंग करने की कोई कोशिश ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए टेकर्स नहीं है, जो लॉयल फॉलोअर्स है, आप मैं हम लोग जब जर्नलिस्ट बन के नहीं जाते फिर भी अगर हम लोग को टाइम है और अपने सिटी में मैच है, जैसे हम लोग बचपन में टाइम निकाल के जाते थे वैसे अभी भी जाते हैं, थोड़ी खुजली है वह तो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो लोग को अट्रैक्ट करने के लिए और उन लोग के आगे बियॉन्ड देम जो पॉसिबल टारगेट है उन लोग को थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं करता। और बीसीसीआई का कैसा है, बीसीसीआई जितना अच्छा करता है उतना ही बुरा ही है, तो बीसीसीआई बहुत आसानी से पंचिंग बैग बन जाता है इंडियन क्रिकेट में, ओके
मैं भी बीसीसीआई को अभी बहुत दोष दूंगा ये चीज, जिस स्टेट में डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके लिए, लेकिन जितना ओनस बीसीसीआई पे जाता है मेरे ख्याल से उससे ज्यादा स्टेट एसोसिएशन को जाता है, क्योंकि बीसीसीआई जो एनुअल सबवेंशन देता है हर स्टेट एसोसिएशन को, अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़ रुपया हर स्टेट एसोसिएशन को बीसीसीआई के टेलीकास्ट राइट्स में से डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे बॉम्बे हो या त्रिपुरा हो, जो फुल टीम से हर किसी को। तो उन लोगों ने खुद के खर्चे से कुछ तो करना चाहिए, और अगर वो लोग नहीं कर रहे तो फिर वो बीसीसीआई का पंचिंग बैग वापस आ जाता है कि बीसीसीआई ने या तो मैंडेटरी करना चाहिए या फिर अपना छोटा सा मार्केटिंग टीम बनाना चाहिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए डेडिकेटेड रहे। मार्केटिंग, क्या मार्केटिंग से जेमी फर्क पड़ सकता है? देखिए एक चीज, हम मार्केटिंग से पहले ना एक चीज बात करता हूँ, ज्यादा लोगों से आप बात करें ना, वो ये कहते हैं कि आप आईपीएल में जब इतना टॉप क्लास क्रिकेट दिखता है, इंटरनेशनल क्रिकेट पूरे साल कहीं ना कहीं चलता ही रहता है टीवी में, तो एक आदमी टाइम निकाल कर क्यों डोमेस्टिक क्रिकेट देखे जिसकी क्वालिटी कम नहीं है, पर हाँ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल के मुकाबले तो नीचे है, क्यों जाए वहां पर? क्या ऐसा यूएसपी क्रिएट किया जा सकता है कि वो जाए उसको? देखिए, आई डोंट थिंक वी हैव द आंसर हियर, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आईपीएल कूल बन चुका है तो वो क्यों बना है। एक्साइटिंग क्रिकेट शाम को होता है, रंग बिरंगीन चीज है, एक टाइम पे चीयर लीडर्स थी, तो ये जो एक्स्ट्रा पॉपकॉर्न वाले एलिमेंट्स थे ये आईपीएल में लगा के आईपीएल चल गया। वी कैनॉट एक्सपेक्ट द सेम थिंग टू हैपन फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट, पर बिल्कुल जैसे अमोल ने कहा था, गेट अ मार्केटिंग टीम, और कोई भी टीम हर स्टेट एसोसिएशन के साथ, खास करके द वंस इन द स्मॉलर वेन्यूज, टीयर टू सिटीज में जहां पे फॉलोइंग होगा, आई एम श्योर जो अमोल कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कम लोग होंगे लेकिन लोग होंगे जो इस फॉर्मेट के प्रेमी है, क्रिकेट के प्रेमी है, और वो अपने लोकल हीरोज को देखना चाहेंगे। बट कैसे ये लोग को लाएंगे? आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हो। इससे पहले आप बताएं कैसे लेंगे, मैं आपको, क्योंकि आपने एक वो पॉइंट लिया ना, मैं उसी पे पूछना चाहता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि एक तो है आईपीएल भाई शाम को खेला जाता है, फॉर्मेट रणजी से अलग है, right. कई लोग बोलेंगे सैयद मुश्ताक अली भी है, वो भी शाम को कई मैचेस होते हैं, छोटा फॉर्मेट है ना, वनडे की भी सीरीज होती है, डोमेस्टिक में चैलेंजर भी होता है, इंडिया ए बी सी जब आप बनाते हो शाम को खेलते हो टीवी में, उनमें भी नहीं आते क्राउड, क्या क्या है कारण? फॉर्मेट से देखिए इसमें बात दो है, मेन थिंग इज है जो हम लोग हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, इनको भूख है सुपरस्टार्स के, सुपरस्टार उस गेम में खेलेंगे तो शायद आएंगे, शायद क्या, मैं कहता हूँ आएंगे ज्यादा, आईपीएल टाइप नहीं होगा, 30,000 लोग नहीं आएंगे देखने, बट पीपल वॉन्ट टू सी, जैसे कि आप फिल्म लाइन देख लो, जब तक फिल्म में अच्छे स्टार नहीं हो कम लोग देखते, अच्छी फिल्में बनती है, वर्ल्ड क्लास आर्ट फिल्म पैरेलल फिल्म बनती है, पर वो पैसे नहीं कमाते क्योंकि उनमें वो इनमें वो ड्रॉ नहीं है। वही बात आप यहाँ पे लगा सकते हो, आसान है यहाँ बैठ के बोलना, पर अगर प्लेयर आएंगे तभी, एंड इस बात जस्ट सुपरस्टार्स, कुछ फॉर्मर इंडिया प्लेयर्स होंगे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, अगर ये लोग खेल रहे हैं, दिनेश कार्तिक जो हाल ही में टीम से बाहर निकले, अगर ये अगर ज्यादा मैचेस खेल रहे हैं, होता क्या है कि बहुत से प्लेयर्स जो इंडियन टीम है वो जब आते हैं इनको खेलना खुद नहीं है। तो आई एग्री विद अमोल, इट फॉल्स ऑन द स्टेट एसोसिएशन टू बिल्ड अप आइकॉन्स, बिल्ड अप प्लेयर्स हु पीपल कैन कनेक्ट टू। बहुत से स्टेट प्लेयर्स को आईपीएल के थ्रू नाम मिला है, पॉपुलैरिटी मिला है, उस पॉपुलैरिटी को टैप करो, आपके जो लोकल स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनको टैप करो, गेट द कॉमन मैन अ चांस टू इंटरैक्ट विद दीस स्टार्स एंड सुपरस्टार्स। दिस इज वन वे इन माय व्यू व्हिच कुड वर्क, आसान नहीं है पर शुरुआत करो कहीं से। अमोल ये बताए, जैसे जेमी ने भी इसके बारे में अभी पॉइंट किया कि स्टार्स नहीं आते, देखिए इंडियन क्रिकेट के पास बहुत सारे स्टार्स हैं ही, मौजूदा स्टार्स क्यों नहीं आते, मैं उन स्टार्स के बारे में बात नहीं कर रहा जो उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, भाई वो तो अगर इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो आ ही नहीं सकते, लेकिन वो 15 के अलावा भी करीब 30-40 ऐसे और बड़े प्लेयर्स हैं जो इंडियन टीम में आते रहते हैं, बाहर जाते हैं, आते जाते हैं, जो भी अपने लिहाज में बहुत बड़े स्टार्स हैं, वो क्यों नहीं खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट? क्यों खेले, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देखो पिछले 4 साल में 3 रणजी ट्रॉफी टीम्स, नए टीम्स जीते हैं, पहले गुजरात जीता, फिर विदर्भ 2 बार जीता, और इस साल सौराष्ट्र जीता। ऐसे टीम्स जीत रहे हैं जिन टीम्स में जो आना जाना जो है ना हवा भगत, वो सबसे कम है, सबसे सेटल्ड टीम जो है, जो टीम पूरा सीजन एक साथ खेलती है वो रणजी ट्रॉफी जीत रही है। उसके मतलब दूसरे साइड पे आप देखो दिल्ली जैसी टीम है, बॉम्बे जैसी टीम है, या फॉर दैट मैटर तमिलनाडु जैसी टीम है, इंडिविजुअल स्टार्स है, लेकिन जब उन्हें जरूरत है तब वो लोग आते हैं, जब टीम को जरूरत है तो भाग जाते हैं। उससे ना प्लेयर को फायदा होता है, ना बाकी प्लेयर्स को डेवलपमेंट के हिसाब से फायदा होता है, टीम को तो बिल्कुल होता नहीं है। और प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से देखे तो
क्यों खेले, सबसे बड़ा चीज जो इंडिया कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है उसे मैंडेटरी नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना, तो उसे या तो खुद का फिटनेस देखना है या फिर ये सिर्फ दिखावे के लिए आज के जमाने में कि यार मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट की बहुत पड़ी है और मुझे मेरा स्टेट एसोसिएशन को कंट्रीब्यूट करना बहुत अच्छा लगता है, ये जो सब हम लोग क्लीशे सब सुनते आते हैं ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए साल में एक आध दो मैचेस खेलो। अभी मैं नाम नहीं लेता, नॉर्दर्न इंडिया में एक बड़ा ट्रेंड था पिछले 7-8 सालों में, उनमें से कुछ प्लेयर रिटायर हो गए ऑफिशियली, कुछ प्लेयर अभी तक ऑफिशियली नहीं हुए रिटायर, वो लोग उन लोग की वजह से देखो आप नॉर्दर्न इंडिया में जो 2-3 बड़ी टीम्स है वो कभी एज अ टीम अच्छा क्यों नहीं कर पाई, वो सेम चीज। तो उसके लिए मेरे ख्याल से अगर आपने स्टेट एसोसिएशन को कंपलसरी किया कि आप स्टेट एसोसिएशन के हिसाब से प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स दो, तो एटलीस्ट स्टेट एसोसिएशन बोल सकता है कि आके खेलना ही पड़ेगा, और प्लेयर भी बोलेगा कि थोड़ा इंसेंटिव और मिल रहा है तो फिर मैं जाके खेलता हूँ। दो आप नाम नहीं ले रहे, मैं तो दो नॉर्दर्न इंडिया की दो बड़ी टीमें हैं ही, दिल्ली और पंजाब, आप सीधा सीधा देखें ये दो ऐसी टीमें हैं जहां ये ट्रेंड बहुत देखने को मिला है कि बड़े बड़े प्लेयर भी अवेलेबल होने के बावजूद नहीं खेलते जब तक उनको जरूरत नहीं है। क्यों क्यों जेमी इस चीज पर कैसे रोक लगाई जाए? देखिए बीसीसीआई ने एक तरीका निकाला कि अगर आपको फिटनेस प्रूव करनी है तो आपको थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तो उस लिहाज से वो आ जाते हैं 2-4 मैच खेल के, अपनी फिटनेस जब प्रूव करनी होती है तब आके खेल जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, या किसी को टीम में आना होता है तो उससे पहले थोड़ी आके बोलिंग कर जाएगा या थोड़ी बैटिंग कर जाएगा, दिखाएगा कि हाँ मैं देखो अच्छा कर रहा हूँ, फिर इंडियन टीम में वापसी करेंगे, यही चीजों के लिए यूज करते हैं। क्या क्या करें कि ये जो स्टार्स हैं वो लगातार जब नहीं खेल रहे इंटरनेशनल क्रिकेट और उनकी स्टेट खेल रही है डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेले? देखो जब तक उन पे कोई फोर्स नहीं कि वो उनको नहीं खेलना तो फिर बहुत मुश्किल है ये समझना कि वो आएंगे। हाँ कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, लाइक समझ लगे चितेश पुजारा, मोस्ट टाइम जब उनको मौका मिलता है तो वो सौराष्ट्र के लिए खेलते हैं, और जब वो अभी वो ओवरसीज दौर में थे तो उन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड में कि मैं शेल्डन जैक्सन जैसे प्लेयर के साथ मैं टच में था। अब देखो ये भी है कि हालांकि मैंने इतने रणजी मैचेस कवर नहीं किए जितने अमोल ने किए होंगे, पर मुझे दो मैच याद है पिछले 7-8 साल में जब मैं कोटला में था, एक रणजी मैच था, तीन थे, एक विजय अदारे था शायद, और एक आई थिंक दिलीप ट्रॉफी मैच। दिल्ली के दो बड़े खिलाड़ी जो इंडियन टीम में थे वो उस मैच में नहीं थे, पर वो 4 दिन में से 3 दिन वो ग्राउंड आए थे, वो पवेलियन में देखे, बालकनी में देखे, तो दे हैव द टाइम टू कम टू द ग्राउंड एंड टेक पिक्चर्स एंड मिंगल एंड प्रोबब्ली इवन बी पार्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव टीम मीटिंग, पर वो खेलने नहीं आए थे वो। अब क्या कारण है वो ही जाने, कुछ प्लेयर्स हैं जो हाँ जो उनके अपना फिटनेस रखना है, पर जब तक तो बोर्ड सेज यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू प्ले वी कैन सिट एंड टॉक, पर कुछ होगा नहीं। ये कर सकते हैं कि लोग जो फ्रिंज प्लेयर्स हैं लाइक आई डोंट नो सम प्लेयर्स हु हैव बीन इन इंडिया ए फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन पे अगर कहीं ना कहीं अगेन दिस फॉल्स बैक ऑन द मार्केटिंग टीम, यू हैव टू हैव अ स्ट्रेटजी कि बॉस ब्लैक एंड व्हाइट मत करो, इसको बिल्कुल खुले में रखो, यू हैव अ सर्टेन ऑब्लिगेशन टू अपील टू फैंस थ्रू सोशल मीडिया, टू डू सम पब्लिक अपीयरेंसेस, दिस इज वन वे आई थिंक, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है वाला फॉर्मेट अगर हम यहाँ इस पर लगा दे तो शायद शायद कुछ लोग देखने आएंगे। अच्छा हमारे साथ एक खास मेहमान भी मौजूद हैं, जैसे मैंने कहा था अर्जुन पंडित गेस्ट अपीयरेंस करेंगे, उनके पास हम जाएंगे। उससे पहले एक सवाल, क्योंकि हम इस इशू पर हम बात कर रहे थे, अमोल आपसे पूछ लूंगा, जैसे हम ये बात कर रहे हैं ना कि क्यों नहीं खेलते सारे, एक तो स्टेट एसोसिएशन फोर्स करे, मैं कुछ साल पहले जाऊंगा जब एक लॉयल्टी होती थी अपनी स्टेट टीम के लिए आने के लिए, बड़े बड़े स्टार्स बिना मतलब मैं गावस्कर की कहानियां सुनता हूँ, मुंबई छोड़ो दादर यूनियन के लिए भी अगर टाइम मिलता था अपने क्लब के लिए भी वो जाके बीच में जाके खेल देता था, ठीक है टाइम अलग था, तब इतना इंटरनेशनल भी नहीं था, बिल्कुल अलग था, लेकिन फिर भी टिल मतलब अगर आप सचिन कांबली की जनरेशन भी देखें, जहीर खान की भी जनरेशन देखें, जब जब मौका थोड़ा मिलता था एक वो लॉयल्टी थी, खासतौर पर मुंबई में आदमी देखता था, लॉयल्टी थी अपने स्टेट टीम के लिए आना। अब धीरे धीरे नॉर्थ में तो आपने बात की ये ट्रेंड बाहर होता ही जा रहा है, अब पूरी जगह हो रहा है, क्या है इसके पीछे कारण, क्यों लगता है आपको ऐसा? तब आईपीएल नहीं था ना, सिंपल है। और ये पूरा जनरेशन ऐसा है आज का, आप देखो ये जो रोहित पुजारा कोहली और रहाणे ईशांत थोड़ा उनसे सीनियर है वो, ये जो जनरेशन है ना इसके बाद किसी को डोमेस्टिक क्रिकेट की पड़ी नहीं। अरे डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ दो, टेस्ट क्रिकेट की कितने लोगों को पड़ी है पता नहीं हम लोग को, तो डोमेस्टिक क्रिकेट तो उससे एक स्टेप आगे है। ओके वरना आप सोचो कि जो लोग सो कॉल्ड व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट में, एज अ क्रिकेटर आप खेलना चाहोगे या एज अ क्रिकेटर आप चिल मारोगे, आप अपना फिटनेस करोगे, अगर आपको 15 दिन फ्री है उसमें से एक या दो मैचेस अगर रणजी ट्रॉफी के मिल रहे हैं तो आप जाके खेलोगे या आप जाके एनसीए में ट्रेन करोगे या
जैसे बॉम्बे में होता है कि रणजी ट्रॉफी मैच चालू है बीकेसी जैसे ग्राउंड में, और बाहर नेट एरिया में वही प्लेयर व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट जो इंडिया में है, जो बॉम्बे के लिए बहुत काम में आ सकता है, वो बाहर आके खुद का ट्रेनिंग कर रहा है सर। ये और अमोल, हाँ बोल जी। और ये बात भी सही है, आपने देखा होगा बहुत सारे ग्राउंड में, आई वोंट टेक टीम्स नेम, बट प्लेयर तब भी आते हैं जब टेस्ट सिलेक्शन आने वाला है, वो फ्रिंजेस पे हैं, या आप उनका कुछ कमबैक मारना है, वो तभी खेलेंगे ना, व्हिच इज आल्सो डिसरप्टिव टू द होल सिस्टम, राइट? एग्जैक्टली, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि वो स्टेट एसोसिएशन का कॉन्ट्रैक्ट जब तक नहीं आता ना, तब तक ये सिस्टम चेंज होने का पॉसिबिलिटी नहीं बनता। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि स्टेट एसोसिएशन के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन पड़ सकता है, और वो चांस लेना बहुत जरूरी है। चलिए, क्योंकि हम डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में बात करें, एक खिलाड़ी जो हमेशा अपनी टीम के लिए आता था, वो इसलिए भी क्योंकि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह नहीं मिल पाई, लेजेंड है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के, अमोल मजुमदार, मुंबई के कप्तान रहे हैं, 11,000 से ज्यादा उनके फर्स्ट क्लास रन है। तो अमोल मजुमदार से हम जानने की कोशिश करते हैं कि हकीकत क्या है, प्लेयर का नजरिया जानने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि अमोल ने चुना कि वो अंग्रेजी में बात करेंगे, इसलिए हमें अर्जुन पंडित को लाना पड़ा जो माहिर है उस भाषा में। तो ये अर्जुन पंडित है, अमोल के साथ चर्चा कर रहे हैं, सुनिए। अमोल, थैंक यू सो मच हमारे साथ आप 575 ounces पे जुड़े। सर, सबसे पहले ये बात आपको ये है कि आज हमारे शो पर ना आपने थोड़ी वैलिडेशन दे दी है, बिकॉज अभी तक क्या हो रहा था कि हम तीन जर्नलिस्ट वाले लोग थे, हम बातें कर रहे थे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन इससे पहले कोई बड़ा खिलाड़ी अपने शो पे आया नहीं, तो आज आपने थोड़ी वैलिडेशन दे दी है सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम एंड जॉइनिंग अस। फर्स्टली चलो, कोई तो वैल्यू दे रहा है, ठीक है, दिस इज सो एप्ट इन टुडेज टाइम, कोई तो वैल्यू दे रहा है। अमोल, द रीजन वी हैव गॉट टुगेदर इज बिकॉज हमने सोचा, यू नो, इधर उधर की बातें, कोर्ट्स, अभी क्या करंट क्रिकेट चल रहा है, अच्छी बात है, but we've decided that once a week we will do one feature around the game of cricket, which is not necessarily focusing on just those 15 players who are playing on India, kyunki aksar yahi hota hai, 15 logon pe focus hota hai. To is show pe hum log Ranji Trophy pe baat kar rahe hain, Amol, and while for all the success the Ranji Trophy continues to garner, it's been going on for the last 86 years, the last edition was the 86th edition, so clearly something is being done right. And the supply line to the Indian team also, you can make out by the success the Indian team is achieving, is courtesy of the supply line. So, you know, on a lot of factors, it's working. But then how is it not translating, Amol, ki TV audience nahi aa raha hai, stadium mein log nahi aa rahe hain, aap itna khele hain wahan pe, aapne itne run wahan pe banaye, and then you worked as a broadcaster also. Aapki koi raay hai isme, ki why is the two not coming together? I had this... bright thought about it way back when I was playing in 2005, I think, or 2004. And I kept on thinking about this. It was about 15 years back. This was before the IPL started, actually. And I had given a suggestion to BCCI, being a senior player in domestic cricket. And I had suggested that we should try and get one professional across the globe for every Ranji Trophy team, make it available. If they want to have a professional, they can have a professional. Sometimes what happens is that if there is a foreign player who comes and plays in our domestic cricket, the value of it actually goes up because the standard goes up. You can have your professional. But the thing is, sometimes, what has happened is that not much of importance is given to Ranji Trophy by the respective state sides. Now that apart from Mumbai, Delhi, Karnataka and Bengal, now that some other state teams have started winning the Ranji Trophy, I think other state teams are valuing Ranji Trophy a little bit more than probably the top teams, which were, probably they are so-called, top teams in India. Say, for example, in the last 3 years, Vidarbha has won it twice, once Saurashtra has won it. So they have started giving Ranji Trophy more importance. And you can see the difference in the last 5 years. Right. So Amol, jab aapne wo suggestion diya to, of course, to the administrators and all, and so in hindsight, so I could say, say a team like Mumbai gets in someone like an AB de Villiers, and that's a big lure. Ki matlab, suddenly log aa rahe hain, stadium mein aa rahe hain, TV mein aa rahe hain. How was that suggestion received then?
Well, see, the thing is, sometimes, you know, there are many committees that are formed, but not much of, you know, things go ahead. But I think the suggestion was well received. There was, I had suggested also some exchange schemes, you know, some players from England could come in, some players from South Africa could come in, and some of our youngsters could go there as well. You know, because I had personally, I had benefited by going to the Australian Cricket Academy when I was a little younger, you know, and attended a program over there for 5 weeks. So I had, it wasn't an exchange program. It was just a, you know, I was curious to go and see what Australian Cricket Academy is all about in way back in 90s, you know, just after I played first class cricket. So I had benefited from that. And I knew that there were some benefits going abroad and reaching out to the public. Some, as I said, you know, somebody like AB de Villiers, can you imagine coming and playing for Mumbai at Wankhede Stadium? There will be people flocking in, 100%. I mean, there are so many, you know, who don't get to see AB de Villiers in action, apart from IPL. And only for 2 days, or you know, a home game, or if they reach the knockout stage, they might see AB de Villiers in action at Wankhede. But if he is a professional for the home side, state team, then people will flock in. Also, Amol, because मैं एक इनका ना मैं थोड़ा पढ़ाई कर रहा था आपके इंटरव्यू से पहले. मैंने कहा यार पहली बारी बड़े प्लेयर आ रहे हैं, थोड़ी पढ़ाई करके जाओ, होमवर्क करके जाओ यहाँ पे शो पर. तो फॉर्मेट में चेक कर रहा था, 1956-57 वंस फॉर्मेट चेंज्ड, 2002-03 फॉर्मेट चेंज्ड अगेन, ट्वीक्ड, चेंज नॉट द राइट वर्ड, 2008-09 ट्वीक्ड, 2010-11 ट्वीक्ड, 2012-13 अगेन ट्वीक्ड, 2017-18 ट्वीक्ड, एंड देन 2018-19 अगेन इट्स ट्वीक्ड. नाउ देयर इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, कि क्लियरली द एडमिनिस्ट्रेशन फील्स कुछ करना पड़ेगा. And yeah, you know, let's do something so that we bring this premier club, sorry, domestic cricket tournament to where it deserves to be. Aapke hisab se, have these formats tweaks worked? Are we on the right path, or do we still need a tweak in order to, you know, go where we want to? You know, when you mentioned about the 2002-03 tweak that happened after a long time, and there was a period of time where you know all the teams played in their respective zones. They played, you know, whichever teams were there in the zones, west, east, north, south, and central. And then they graduated to the knockout stages. But after that 2002-03 season, I think there was a great shift in Ranji Trophy. And it created a little bit of a buzz. I remember that because I was going through it. Suddenly, Mumbai could play Delhi in the first game. There was a tweak in the format. And that was a great shift in Ranji Trophy. And even the players were excited because, you know, sometimes Mumbai-Delhi games created a little bit of a buzz, but that happened only in the knockouts because we never played Delhi in a league stage. But suddenly, in the first game, there was a Mumbai-Delhi game in that year. And it created a little bit of a buzz amongst the cricketers. So, you know, you really have to think about when you're tweaking the formats. Not much is required. Only thing is, of course, now, you know, in addition with the 9 teams which have gone into domestic cricket, you need that kind of a shift. But I still feel those 9 teams which have been added in Ranji Trophy, they aren't creating anything, you know, plus for the tournament. I think we really have to give it a good thought and not give it a first-class status. I feel, personally, it is my opinion, you can create another league for them, but don't include them in first-class cricket. I think so the motive behind that is, how do you spread the game even more, right? I mean, you can't confine it to, say, a certain number of states. And probably that is the reasoning to put them there, ki you play with the big boys, and you never know kaun sa heera bahar nikal ke aaya usme se. But there is a flip side to it as well. I mean, you can bowl a side out for 45, and then there is no, you know, that's not first class cricket for me. If it's termed as first class cricket, it's not to find hidden gems. It is about competitiveness at that level. If you're competitive enough, then you stay at that level. If you're not competitive enough, then you go and play a league. Once we feel that this is
they are absolutely ready for first class cricket, you know, bring them in. I mean, I'll give you an example. This year, you know, Syed Mushtaq Ali final was well watched, very well watched. Yeah. It was Tamil Nadu versus Karnataka game. It was played in Surat, and there was about 10,000 people there. It just gave me a little bit of a, you know, my mind or my memory went back few years when Mumbai played Delhi. There was crowd, boss. Every time we played, and even when Mumbai played in smaller centers, you know, somewhere like Valsad or Surat, or even in Baroda sometimes, there was pack house. आपने so you started kind of हाँ जी हाँ जी sorry आपने you started that kind of thing is required. You started the conversation by saying कि you had made a suggestion around international players. मैं कह रहा हूँ why stick to international players जब हमारे पास दुनिया के 15 most coveted players as far as our country is concerned. So why not make it mandatory that someone like a Virat Kohli does not have to play the entire season but has to play a certain number of matches ताकि that buzz around the season is there. Without a doubt. You know what a small suggestion would be from my end? Create a window for Ranji Trophy semi-final and final. Yep. Don't have international cricket being played at that time. Create a window for it. And you have to tell the players, international players who are playing for India, you got to go and play semi-finals and the finals. Just for semi-finals and finals, I can understand, you know, others... other time they could be busy playing international cricket. That should be the priority. But create a window for semi-final and final. And you know, for example, Bengal versus Saurashtra. You know, Cheteshwar Pujara came back for Saurashtra, and the same could have been with Bengal. Ridhiman Shah came and played for Bengal, but you could have allowed Mohammad Shami to come and play back for Bengal. You know, don't hold them back. If you allow the stars, I remember Sachin Tendulkar coming and playing once. In the morning, he landed at 7 o'clock at Santa Cruz Airport, and he was there at 8:15 at Wankhede Stadium playing the semi-finals for Mumbai. I mean, that was a commitment. I mean, there was no window then; it was just a commitment from his side. Yeah, he loved playing, or he loved being around the Mumbai dressing room, and he showed that he turned up and played for Mumbai in the semi-finals and the finals. So, mera just on the suggestion jo aapne diya hai on semi-finals and finals, and main thoda team ke nazariye se dekhunga ki jo team itni mehnat karke semi-final tak pahunchi with that list of 11 players or 14, 15 players you used, suddenly they say, okay, now we've reached and we are here to reap the benefits, and probably every selector is going to be watching this, and suddenly you have three players coming in from the national side. You suppose that could cause a little disharmony amongst the team? So probably the one way saying you can only have one international player coming in. He's your icon player who's coming in for the semi-final final. Nah, I don't agree to that. It's a hard ball game. If you don't deserve to be, if you can't replace, if you can't keep a place when Virat Kohli comes back for Delhi, if you can't create a place for your own, in that lineup, so be it. I mean, it's a hard ball game. I'm of the opinion that the best player should play. A state team has got a potential to provide three or four international players, then they deserve to be playing for their state teams. But the thing is, I'll tell you another example of this. 2006 and 7, I was the captain of Mumbai. And we reached, it was an unbelievable year. Never before I'd seen a season like that, and never after I've seen it so far. Mumbai had lost three games on a trot. We were 0 points on the board after three games, and we were, people were talking about relegation. And suddenly there was a change in momentum, shift, whatever you can call it. And we reached the semi-finals. In semi-finals, we again had a bad game. We were 0-5, and yet we went on to win that semi-final. And we reached the finals. Come the finals, Zahir Khan stepped in. Sachin Tendulkar stepped in. Ajit Agarkar came back from international duty. And I guess Ramesh Pawar came in as well at that time.
we were playing Bengal. Bengal were boosted by Saurabh Ganguly's presence. And suddenly there were players, there were three players who had made their debuts and had done well, had to unfortunately sit out. And me being a captain, you know, had to take a call that, you know, but the fact is that I made an appeal to Mumbai Cricket Association. I told them that, you know, look, this guy, these guys, that they have served the state team so far. Try and keep them in the dressing room. They will mingle around Sachin Tendulkar, Zahir Khan and Ajit Agarkar. They'll learn a lot. So we had a squad of 20 players that final. We accommodated 20 players in the dressing room that final. I didn't allow those 5 players to go off. Just kept them in the dressing room, asked them to keep their bags a little aside so that the top 15 players get a preference of their seats. But that's about it. Be there, serve the team, and just learn from the experience. Amol, आपने वो 2006-07 की सीजन के बारे में बात करी, एंड यू प्लेड अ लॉन्ग टाइम एंड इट्स अ ग्रूलिंग शेड्यूल प्लेइंग रणजी ट्रॉफी, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग इन एम्प्टी स्टेडियम्स. बियॉन्ड दैट 2006-07 सीजन, एनी अदर सीजन दैट रियली कॉट योर अटेंशन सेइंग लुक हे मे बी समथिंग इज टर्निंग अराउंड एंड मे बी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट इज गोइंग टू बी वाइडली एक्सेप्टेड एज अ टीवी स्पोर्ट और व्यूअर स्पेक्टेटर स्पोर्ट? यू नो, देयर वर सो मेनी इंस्टेंसेस later on. Even now, I feel, you know, it's a, if you take, for example, the Karnataka Saurashtra game last year in Chennai, beg your pardon, in Bengaluru, in Chinnaswamy Stadium, you know, Karnataka Saurashtra semi-final, it gathered quite a bit of attention because of Pujara coming back from that great Australian series. And it caught attention of the spectators. There were spectators flocking in the Chinnaswamy Stadium just to watch not just Pujara but also the Karnataka side. KL Rahul was playing. So you know, that kind of a thing has to be created. Marketing is another way you can create buzz. I remember playing in Ranji Trophy finals, Arjun, at Wankhede Stadium, pack house. Bombay Hyderabad 1999-2000 here, Azharuddin's last game, Muhammad Azharuddin's last game, where VVS Lakshman was in great form. He had 800s in a row in 8 matches. So you know, it created buzz. On one occasion, I remember it was a pack house. So there are many instances. I played in a Bombay Delhi final at Gwalior, the day night match, 1996-97. There were 20,000 spectators in the Gwalior Stadium then. Well, 19,996 supported Delhi. That's okay. Shush. But aapne abhi day night ki baat kari, Amol. You suppose one way forward is, and I'm saying, so you move step by step. You can't suddenly say pura ka pura uspe season pe lagu karenge. So semi-finals and finals, why not try having a pink ball test, a day night test? You've already tried it with Bengal. Why not try doing that? Why not have that game? Ranji Trophy semi-finals and finals as a day-night. I can't see any problem in that. It happened. I mean, BCCI were way ahead in their thought process in 96-97. Way ahead. We played probably the first time first-class cricket was played under lights for 5 days. Day and night, in fact. Bombay Delhi, as I said, that Gwalior final. It was superb final, superb. One of the best finals that I've been in. You know, it was well attended. Started at about 2:30 in the afternoon and ended up at 9 or 10 o'clock, just like a one-day game. And it just created a buzz in Gwalior, and it was very well attended. So why not? You know, something of that sort could be always thought about. Whatever gets the attention of the public and creates a buzz on television, you need to think about it. So, but aaj ke zamane mein, par aaj ke zamane mein aap T20 ke khilaf fight kar rahe ho na. Matlab, I'm not, maybe fight is not the right word, but if you're vying for attention of a fan to come into the stadium who suddenly seen AB de Villiers play scoop shots and paddle, pata nahi kya kya maar rahe, all 360 degree shots, you're fighting against that exactly na, to bring that viewer and make him enjoy how defending the ball is also an art, how leaving the ball is also an art.
well, you know, this is a perception that we have built that viewer will only like the lap shot or the scoop shot. This is a perception that we have built. But if you dish out good cricket, it's not about AB de Villiers. People will come to watch Sarfaraz Khan bat also. And he can play those scoops in five-day games. I've seen it, that he has played that. So if you can create a buzz, advertise it correctly, market it correctly, it's not necessary for only AB de Villiers to play that kind of a shot where, you know, nowadays there are some unbelievable shots that have been played in Ranji Trophy, which we never thought about earlier. So it is attractive cricket, thanks to T20. I'm not denying that. But still, if you dish out good quality cricket, people will come to the stadium. It doesn't matter whether it's a 20-over game or a 5-day game for them. Good quality cricket will always be watched. Amol, where do you stand on this debate of neutral venues? And since we're talking neutral venues, where do you stand on the type of surface that should be prepared for a Ranji Trophy game? Because more often than not, aajkal complaint bhi aa rahi hai ki flat tracks ho rahe hain, to matlab lage hain ballebaaz, unne matlab 5-5 din ke tent laga ke dal bhi ban rahi hai, khichdi bhi ban rahi hai, ballebaazi ho ja rahi hai, that kind of scene. Dal khichdi ka maloom nahi. But neutral venue is completely dal khichdi ko. I don't think that is a solution. I mean, come on. Why are you denying a Karnataka supporter not to watch KL Rahul in action? Yeah. KL Rahul, say for example, turns up for Karnataka and he's playing in Panji, Goa, against Goa or against Chhattisgarh. Who's going to come and watch that? Yeah. You know, for me, the biggest boost in my childhood was to go to the stadium and watch somebody like Sunil Gavaskar bat or, you know, Dilip Vengsarkar bat or, you know, many other greats who were there to bat. I got inspiration from watching the greats play cricket. And it's the same now. So the homegrown players are very crucial and critical for the development of the game and to inspire some youngsters. We have created a 4-day format in Ranji Trophy just to get everyone in or schedule it correctly. Add one more day to it. Add one more day, you will get more results. Because people... So what happens in Ranji Trophy is that in that 4-day game, people try to get outright results as much as possible. Yeah. And so they either prepare underprepared tracks, which probably the game's finished in 2 days, or they prepare a flat track where no result is possible. Add one more day to it. Logistically, I don't know how it is, but they can manage it. But add one more day, add a fifth day to that 4-day format and see what happens. Magic will happen. So then I know, Amol, when the news came out a few months ago, ICC mulling an idea of whether they should start having 4-day tests. I know what you must have been saying as soon as you saw that news. Don't even go there. As soon as the news was spread, Ben Stokes played a blinder. Now, can you imagine what, you know, just don't tinker. Cricket is the only game in the world. People and ICC and all other cricket administrators, they tinker with. You tell me when is you know, is tennis tinkered with? The rules of tennis is does football gets tinkered this much with the rules and regulations? No, not the format is same. We are trying to create something because our perception is something. Oh, something else. Oh, it should. We need to get some people in the stadium. So we need to create some. It's not needed. You dish out good cricket, you will get it. So, aapse aakhri sawal hai, and you've been pretty forthright. So, thank you so much for this chat. Aakhri sawal ye hai, because in all the times you mentioned that you saw a crowd coming in while you were playing Ranji Trophy cricket, it also was with the fact that a Sachin had come, or a Zaheer had come, or a Chetesh Pujara had come. So, do we resign ourselves to the fact, thinking that as Indians, we love cricket,
But we also, with the rider, that we love Indian cricket players. And anything beyond that, hamari appetite nahi hai usko consume karne ki. It's a tricky one. Because most of my career, I played to empty stadiums. Exactly. I mean, there was an odd occasion where I said a quarterfinal, semifinal, final, which brought in people. And but the thing is, you know, as a cricketer, you just have to get, you know, you just have to stay motivated. You just have to be a little selfish in that aspect, you know, and just stay. I mean, this is a reputation I've built and I will stick with it no matter what happens. So the cricketer has to find self-motivation from somewhere because the crowd isn't there. Yeah, there is a possibility of that perception being right that we only love Indian cricketers, probably the top 20. And this is where I feel, you know, that that step what Sourav Ganguly has taken to, I don't know where till where it has gone to, but he mentioned something about contracts of the players. And that would add a great value to Indian cricket system. Great value. Because then people will be professionals. You know, cricketers will be thorough professionals. And then possibly it'll have an impact on your standards, it'll have an impact. And that cutthroat nature of the game will go up as well, you agree? Yes, cutthroat competition will happen. And also, I feel that the cricket associations, the respective state cricket associations will have a little bit of a liability to advertise those games, correct? Yeah. Send some feelers to schools around. Send some feelers to the academies around that we are having a Ranji Trophy game. There are only 4 Ranji Trophy games, home games. Why can't you fill up the stadium? You send, you know, print passes for it. People feel good with free passes. I mean, you and me feel good with free. Arre, pass aage. Sir, kabhi. You know, you imagine. Yeah. You imagine the school kid getting a pass in his hand for the Ranji Trophy game, he would not miss it. He will definitely not miss it. Absolutely. So there will be a liability for the associations also. A liability, I'm saying that there will be a responsibility actually. You have to justify the cost. Ki aap itna paisa de rahe ho. Yeah, de rahe ho. To aap advertise karo, public aa jayegi. Amol, thank you so much for your time and thank you for being so forthright in your steps for what should be done to revive the Ranji Trophy, possibly not in what's happening on the field, but sort of to get more crowds and everything. Thank you once again, Amol. Aapko, sir. Pleasure. And we'll keep troubling you, sir. Kyunki humne na ek bari jab hum ungli aise pakad lete hain, to phir pura haath aise chale jaata hai saath. ye dun kya haath dun kya hai? Amol, take care. And haath mujhe de de thakur. नहीं सर, अभी वो हाथ पकड़ने वाला, अभी वो सैनिटाइजर वाला सिस्टम चल रहा है आजकल. यस नमस्कार. टेक केयर अमोल एंड स्टे सेफ. थैंक यू सो मच. चलिए, अमोल ने कई चीजें बताई, कई हकीकत बताई, जमीनी हकीकतें जो है कि क्या क्या होता है, कहाँ पर खिलाड़ी मिस करते हैं क्राउड को, कहाँ पर क्राउड आए, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बात की जहाँ क्राउड आए. एक चीज अमोल, वहां पर आपके नेम से मौजूमदार कह रहे थे कि उन्होंने एक बहुत पहले आइडिया दिया था कि आप फॉरेन प्लेयर एक खिलाएं बीसीसीआई को. 2002-03 में उन्होंने आइडिया दिया था कि हर एक स्टेट टीम को बोले एक बड़ा आइकॉनिक फॉरेन प्लेयर लेके आए और उसको अपनी टीम से खिलाएं एज अ प्रोफेशनल, तो शायद थोड़ा ग्लैमर बढ़े, शायद लोग आए. क्या कहते हैं आप इस सजेशन को? उनका तो मानना है कि तब तो बीसीसीआई ने किसी ने सुना नहीं. फेयर इनफ. अमोल जैसा आदमी अगर बोल रहा है तो कुछ सोच के बोल रहा होगा, लेकिन रूल्स कहीं पे भी आपको बार नहीं करते फॉरेन प्लेयर्स लाने को. एक नहीं, तीन ला सकते हो आप. जैसे आप बाहर के स्टेट टीम से ला सकते हो ना तीन प्रोफेशनल प्लेयर्स, उनमें से एक दो या तीन ओवरसीज भी हो सकते हैं. महाराष्ट्र ने खिलाया है, महाराष्ट्र ने एक बांग्लादेश का एनामुल हक जूनियर और श्रीलंका का सीम बोलर सुजीवा डिसिल्वा, ये पिछले 15 साल में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, समटाइम इन 2005-06 उन लोगों ने खिलाए थे इन प्लेयर्स को. ओके, तो कोई ना नहीं बोल रहा है. ये जरूरत कहाँ आती है? अगर स्टेट एसोसिएशन, जैसे आप सोचो आज की दुनिया में एक स्टेट एसोसिएशन खुद की जेब से प्रोफेशनल प्लेयर को, जैसे मतलब सबसे टॉप टियर के, वापस नाम नहीं लेंगे, सबको पता है जो क्रिकेट फॉलो करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, कि जो टॉप 2 या 3 नाम है प्रोफेशनल्स में, वो पिछले 2 या 3 साल में तकरीबन 40 से 50 लाख रुपया
प्रोफेशनल्स का फीस देते थे स्टेट एसोसिएशन, आपको अगर ओवरसीज प्लेयर लाना है तो ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन कितने स्टेट एसोसिएशन जो टीम अच्छा बनाने के लिए ये स्टेप लेते हैं, कितने स्टेट एसोसिएशन टीम जितवाने के लिए ओवरसीज छोड़ दो आउटस्टेशन प्रोफेशनल्स को पैसा देके लाते हैं, ये पॉइंट है। आज बहुत सारे डोमेस्टिक प्रोफेशनल्स ऐसे भी है, ओके, स्पेशली जो लोग सदर्न टीम्स से प्रोफेशनल करके खेलते हैं या एक या दो वेस्टर्न इंडिया में जो टीम्स है, फॉर इंस्टेंस सौराष्ट्र और गुजरात, उनमें से मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स प्रोफेशनल फीस नहीं मिलते उन्हें। स्टेट एसोसिएशन बोलता है आप लोग को मौका चाहिए, आप लोग को एक्सपोजर चाहिए, आप लोग को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने का अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आप सिर्फ मैच फीस पे खेलो, ये भी सीन है। तो वहां प्लेयर क्यों बाहर जाके खेलता है, क्योंकि उसको पता है वो नोटिस हो सकता है ऊपर वाले लेवल के लिए, ओके। लेकिन अगर स्टेट एसोसिएशन पैसा नहीं डालेगा तो डोमेस्टिक क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगा, सिंपल है यार। ठीक जेनी, यही चीज को मैं लेके जाऊंगा, हम ये स्टार्स के बारे में बात करें, तो स्टेट एसोसिएशन को पैसा डालना है। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये है, नजरिया ये है कि अब जैसे अमोल भी बात कर रहे थे, ऐसे कई मैचेस में वो खेले हैं जब बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे थे, दिल्ली बॉम्बे के कई मैचेस के बारे में उन्होंने चर्चा की, फिर भी क्राउड उन मैचेस के लिए नहीं आता। तो एक सवाल ये भी है कि जब बड़े स्टार्स खेले भी हैं, इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी खेल भी रहे हैं, फिर भी लोग डोमेस्टिक क्रिकेट देखने नहीं आ रहे, क्या यहाँ पर अब वापस हम स्टेट एसोसिएशन और बीसीसीआई पे जाए? क्योंकि बात तो वही होगी ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा भाई, पता ही नहीं आधे लोगों को कि वो खेल रहे हैं, कोई बिल्डअप ही नहीं है, तो कैसे आएंगे लोग, क्या यहाँ पर एक बहुत बड़ी खामी है? हाँ बिल्कुल है, देखो मैं जिस मैंने कहा था, मैं ज्यादा मैचेस नहीं देखा हूँ, पर आई रिमेम्बर वन मैच एट द कोटला, उसमें आई थिंक इट वाज दिल्ली तमिलनाडु और दिल्ली तमिलनाडु, उसमें जो थे दिनेश कार्तिक फील्डिंग कर रहे थे बाउंड्री के पास, उनके पीछे कुछ 10-15-20 जो लोग थे, फैंस थे, वो जहां जहां वो गए वो उनके पीछे गए थे। एंड मैं वो नहीं बोलूंगा कि उन्होंने क्या क्या बोला, बट जो वो चुगली वाली मस्ती वाली एक एंगेजमेंट था, पता है जिन्होंने भी एग्जैक्टली हाँ मतलब मौसम के तापमान से लेके उनकी लाइफ के बहुत सारे उनकी उन्होंने सवाल पूछे थे। एंड टूवर्ड्स कैरेट कार्तिक ट्राई टू स्टे फोकस्ड। अब क्या है कि इट वाज फॉर मी इट वाज अ स्मॉल आई ओपनर कि हाँ अगर ऐसे लोग आ रहे हैं, भले वो 18-20 लोग, एटलीस्ट दे आर फॉलोइंग, तो मैं वही कह रहा हूँ अगर ये लोग आ सकते हैं, बट अगेन पीपल हैव टू नो कि एक मैच हो रहा है, कोई राइवलरी है, ये टाइम है सोशल मीडिया जहां बहुत सारे हमारे होस्ट ब्रॉडकास्टर, हमारे बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये छोटे छोटे बातों का इतना बड़ा बतंगड़ बनाते हैं आई बॉल्स अट्रैक्ट करने में। तो यहाँ भी आप थोड़ा जो हम कहते हैं ऑनलाइन में क्लिक बेट, ये ट्राई करो। मुझे लगता है कि ऐसा है कि इवन द बीसीसीआई डज नॉट नो कि ये टूर्नामेंट क्यों हो रहा है। हम देख रहे हैं कि स्टार स्पोर्ट्स ने कुछ 2-3 सीजन पहले बड़ा कहा था कि वी डूइंग वी टाइड अप विद रेडियो, वी टाइड अप विद दीस पीपल दैट पीपल, छोटे एड बने थे, अच्छी अच्छी खासी कमेंट्री टीम बनी है। नतीजा क्या, आई डोंट थिंक नंबर्स तो है नहीं, बट आई थिंक देयर इज नो बिग इंक्रीज और स्पाइक इन नंबर्स, तो आई डोंट थिंक एनीवन रियली नोस कि क्या है। हाँ बट आई स्टिल फील अगर प्लेयर्स आएंगे अच्छे से प्रमोट करेंगे, देखो अगेन यूज सोशल मीडिया यार, मतलब आई एम अ सोशल मीडिया टाइप पर्सन, तो आई नो कि उसकी हल्की सी पावर क्या है। आप ट्राई करो, ईच एसोसिएशन शुड हैव अ सोशल मीडिया टीम व्हिच इट लिएजेस विद द मार्केटिंग टीम, सेट इट अप, जैज इट अप, ट्राई समथिंग, हो सके फ्लॉप हो, बट अंटिल वी सी दीज एफर्ट्स बीइंग मेड वी विल जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बात तो वो ही कि क्या मार्केटिंग से चेंज होंगी चीजें या नहीं, ट्राई करो, ट्राई करो, शायद ना हो, ठीक है, वो ट्राई करो, करेक्ट, वो तो एक अजम्पशन है, हम उम्मीद कर रहे हैं उसे होगा, ठीक है, लेकिन हकीकत के बारे में फिर से बात करें, ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि कोई नहीं आ रहा। क्या ये चीज अमोल ये बताती है हम सबको कि इंडियंस, ये जो कहा जाता है इंडियंस लव क्रिकेट, ये सच नहीं है, इंडियंस डोंट लव क्रिकेट, इंडियन जो फैन है दे लव क्रिकेट स्टार्स, दे लव 10 पीपल, उनसे उनको मोहब्बत है, वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, उनके कुत्ते का नाम क्या है या कौन सी गाड़ी चलाते हैं, बस उसका उनको शौक है, वही जानते हैं, बाकी क्रिकेट एज अ स्पोर्ट भाड़ में जाए, क्या ये सच्चाई है? भाड़ में जाए थोड़ा एग्जैजरेशन रहेगा, थोड़ा ओवरस्टेटमेंट रहेगा, बट लेट्स नॉट डिनाइड कि इंडियंस लव क्रिकेटर्स मोर देन क्रिकेट, पक्का। और उसमें भी जो स्टार्स की बात है ना, जैसा अभी आप सोचो वो पुणे में जो नया बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया है ना, पुणे में नहीं है, मतलब वो इट इज एक्चुअली इन द मिडल ऑफ नोवेयर, वो थोड़ा दूर है ना पुणे से, वहां पहुंचने के अगर कोई जेन्युइन फैन, डोमेस्टिक क्रिकेट हो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, जेन्युइन फैन वहां स्टेडियम में खुद से सिर्फ मुझे क्रिकेट देखना है,
इसलिए पहुंचा ना, तो उसको बहुत बड़ा फेलिसिटेशन करना चाहिए. ऐसी जगह बना हुआ है वो स्टेडियम और एक्सेसिबिलिटी जीरो है, जीरो. अगर आप में से कोई हम्बनतोटा गया है ना, तो ये इंडिया का हम्बनतोटा है समझो. ओके नहीं तो वो तो वहाँ नेहरू स्टेडियम में क्यों नहीं कराते पुराने, डोमेस्टिक क्रिकेट वहाँ कराओ, इंटरनेशनल वहाँ कराओ. नहीं अभी अनफॉर्चुनेटली वो डोमेस्टिक नेहरू स्टेडियम इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द एसोसिएशन, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चक्कर आ जाता है. लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि वहाँ जब रणजी ट्रॉफी मैच हरियाणा महाराष्ट्र हुआ था, जिस साल सहवाग हरियाणा के लिए खेले थे, उनका लास्ट डोमेस्टिक सीजन था, तो जिस दिन सहवाग ने बैटिंग किया 1000 से ज्यादा लोग आए थे. ठीक है आसपास वाले देहातों से भी लोग आए रहेंगे, लेकिन जो कोई आया है वो सहवाग का बैटिंग देखने आया था, वो सहवाग को के साथ सेल्फी खिंचवाने नहीं आया था. तो अभी भी वो ड्रॉ है. तो मेरा मानना वही है कि जब सहवाग आएगा तो अगर होस्ट एसोसिएशन ने या आज का जो कोई सहवाग है, वैसे तो इंडिया में अभी 50 सहवाग है ना थैंक्स टू आईपीएल, कोई भी स्टार बन जाता है यार, तो उन लोगों को यूटिलाइज करो डोमेस्टिक क्रिकेट का पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए. लोकल एकेडमीज के साथ टाई अप करो, उन लोगों को बोलो कि जो मैच में वो मैच का जो सहवाग है वो 20 मिनट 20 गिने हुए बच्चों के साथ टाइम बिताएगा. ना आज का सहवाग ना बोलेगा, ना एकेडमीज एक दिन स्कूल या अकेडमी का सब ट्रेनिंग सेशन बंक करके प्लेयर लोग को वहां भेजने में हिचकिचाएगा. लेकिन ये एफर्ट करने के लिए वापस मैं वही आ रहा हूँ, ये सब सजेशन देना ठीक है. होता क्या है प्रैक्टिकली, बीसीसीआई बोलता है यार हम लोग भी वही सजेशन देते स्टेट एसोसिएशंस को, उन्होंने करना चाहिए ना. स्टेट एसोसिएशन बोलता है यार टूर्नामेंट तो बीसीसीआई करवाता है, हम लोग टीम की तरफ देखें और हम लोग तो यार ऑनररी ऑफिस बेरर से सब चार लोग मिलकर क्या क्या करें. इसलिए मैं वापस वही बोल रहा हूँ, आपने एक छोटा सा टीम डोमेस्टिक क्रिकेट के हिसाब से ऑपरेशन का जैसे टीम है, वैसा एक डोमेस्टिक क्रिकेट मार्केटिंग के लिए टीम जब तक नहीं बनेगा तब तक ये एक्टिवेशन इवेंचुअली करेगा कौन, और सिर्फ लोग बातें करते रहेंगे. ये चेंज करना है तो आपको एक डेडिकेटेड अमोल, आप कह रहे हो कि जब सहवाग की बैटिंग की तो उस दिन कुछ 1000 लोग, इनको मालूम कैसे पड़ा कि सहवाग की बैटिंग है? प्राइमरली पहले दिन का स्कोर देख के, उन्होंने दूसरे दिन बैटिंग किया. तो दिस इज लोग, आप कह रहे लोग आए थे बिना किसी प्रॉम्प्टिंग के, किसी एड का, किसी ट्विटर पुल का, सोशल मीडिया पुल का, राइट? राइट. अब सोचो अगर उसमें डेडिकेटेड हर बोर्ड का 2-3 बंदे अपना दिमाग लगाएं, आप बहुत टैलेंट है इस मामले में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, यंग जो है डिग्री एमबीए लेके ये फोकस कर रहे हैं हाउ टू इंगेज पीपल, सम फॉर फ्री सम पेड, वी नो दिस. तो सोचो अगर कुछ इंपैक्ट इससे आ सकता है, अगर लोग बोलेंगे भाई देखने आज श्रेयस अय्यर खेल रहा है, पृथ्वी शॉ खेल रहा है, लोग को मालूम नहीं. देखो कुछ लोग हैं जो अभी भी अखबार पढ़ते हैं, गॉड ब्लेस देम, इनको मालूम होगा कि हाँ कल मैच है शॉ खेलने वाला है. But do enough people know when these guys are playing? Exactly, I agree with you, यार. Jimmy, you have hit the nail. क्योंकि आप एक parallel draw करते हैं women's cricket in India, जो domestic cricket के हिसाब से ही है. Player मतलब women's, अगर Indian cricket में 20 लोगों के पीछे लोग भागते हैं, तो women's cricket में 2 या 3 लोगों के पीछे लोग भागते हैं अभी तक. लेकिन जो last year बरोडा में women's का T20 series हुआ, I think it was against Australia या England. Sorry, I'm not sure. लेकिन उस सीरीज आल्सो ना उसके बाद तो वो जो 3 T20 का सीरीज हुआ बरोडा में, इट वाज पैक्ड हाउस, 12,000 लोग आए थे. ओके लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वो इवेंट मैनेज किया था, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था. तो जो लोग आए थे ना उनमें से किसी को पता नहीं था कि वो क्यों आ रहे, लेकिन आए थे. गुड थिंग 12,000 लोगों ने विमेंस क्रिकेट देखा, उनमें से 200 लोग भी इवेंचुअली विमेंस क्रिकेट में किस चीज किस लिहाज से अगर इन्वॉल्व रहे, तो ये फायदा विमेंस क्रिकेट का ही होना है. तो द सिनिक इन मी वुड से कि यार ये तो स्टेज मैनेज किया हुआ है, लेकिन द ऑप्टिमिस्ट इन मी वुड से कि अगर हुआ तो आगे फायदा ही होगा यार. तो देयर इज नो हार्म इन गिविंग इट. बिकॉज अमोल, एक तो टीवी के लिए सही है जब स्टेडियम में कुछ लोग हैं, ठीक है. दूसरा प्लेयर को भी लगा यार हाँ अब जो बॉल पे बैट आया या आवाज गूंज नहीं रही खाली स्टेडियम में, आई थिंक इट्स अ विन विन. लोग को लाओ, कोई नहीं, यू पे पीपल, गेट द पीपल जिनका काम है, जो एक्सपर्ट्स हैं, लोग को इवेंट, जो इवेंट मैनेज कर रहे हैं, इनको दे दो. कोई कमी नहीं है बीसीसीआई के पास पैसे में, रिसोर्सेज में. ब्लैंकेट वाला मत करो, हर मैच मत करो, हर ग्राउंड मत करो, थोड़ा लगाओ कि जहां लोग आएंगे, बी एट टीयर 2 टीयर 3 बी एट यू नो देहरादून से लेके यू नो डिंडीगुल तक, एनालिसिस कर लो. दिस इज व्हाई योर पॉइंट अबाउट द मार्केटिंग होल्ड्स अ लॉट ऑफ वेट.
नहीं मार्केटिंग तो छोड़े, जैसे अब वो सहवाग के बारे में बात हुई, लोग स्कोर कार्ड देख के आए, अगर एक अखबार में शायद एक छोटा एड भी आ जाता पुणे में, अगर पूरे शहर को पता चलता कि सहवाग बैटिंग कर रहा है तो 1,000 के 10,000 भी हो सकते थे। चलिए लेकिन क्या इस क्योंकि हमने बात की, आपने विमेन्स क्रिकेट का एग्जाम्पल भी दिया अमोल, क्या यहाँ पर एक ये सीख है, एक सजेशन है कि आप छोटे वेन्यू देखें, क्योंकि हमने अभी अमोल मजुमदार को भी सुना थोड़े टाइम पहले, उन्होंने 2-3 मैचेस के बारे में चर्चा की, उनका एक मैच उनको जो बहुत अच्छे से याद है वो है बॉम्बे वर्सेस दिल्ली, ग्वालियर में खेला गया था मैच एंड ही सेड इट वाज पैक्ड, हालांकि लोकल टीम नहीं थी, ग्वालियर में खेला जा रहा था, ही सेड आउट ऑफ 20,000 19,996 वर सपोर्टिंग दिल्ली बट एटलीस्ट दे केम टू द ग्राउंड टू वॉच। तो क्या ये सीक्रेट है, आप उन टाउन में लेके जाओ जहां पर बिल्कुल भी कुछ क्रिकेट देखने को नहीं मिलता, डोमेस्टिक स्टार्स भी नहीं दिखते, शायद आएंगे। एक हद तक है कि लोकल टीम अगर खेलेगा छोटे शहरों में, जैसे एक बार दूसरे अमोल ने मुझे बताया था, वो कड़प्पा में खेल रहे थे जब वो आंध्रा के लिए खेल रहे थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, आंध्रा वर्सेस केरला, श्रीशांत खेल रहा था सामने, और तब श्रीशांत बड़ा नाम था इंडियन क्रिकेट में, आज भी है लेकिन वो क्यों है वो बात नहीं करेंगे अभी, लेकिन वो मैच में अमोल ने मुझे बोला था कि 8,000 से 10,000 लोग 4 दिन मैच देखने आ रहे थे, ओके, लेकिन वहां श्रीशांत था इसलिए आ रहे थे। अगर आप कड़प्पा में सिर्फ आंध्रा और केरला जाएंगे ना तो 500 लोग आएंगे, जैसे अभी इस साल मैंने वलसाड में गुजरात का क्वार्टर फाइनल कवर किया गोवा के अगेंस्ट, तो पार्थिव पटेल छोड़ के कोई बड़ा नाम नहीं था, एक लोकल प्लेयर था अरजान नागवास वाला नाम का, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जो वो वलसाड से 35 किलोमीटर दूरी पे उसका गांव है, तो उसकी वजह से रोज 300 से 500 लोग आते थे, उसकी वजह से थोड़ा तो माहौल बना, लेकिन बड़ी बात है यार, बड़ी बात है ना, 300 बहुत है भाई। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, ये बड़ा मैच था, क्वार्टर फाइनल था, अगर आपने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को थोड़ा पुश किया रहता, और जैसा आप बोल रहे हो वो छोटी एड दे, अल्टीमेटली छोटी एड है लेकिन कौन देगा, क्यों देगा, ये जो चीजें है इसके लिए जब तक आप पुश नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होगा इंडिया में, अगर छोटी एड देते तो 5,000 लोग आते रोज। ठीक है, चलिए आखिरी में एक हम जैसे हम बात कर रहे थे स्टेट एसोसिएशंस को थोड़ा सा दे लाव टू पुल अप देयर सॉक्स, एक और क्रिटिसिज्म आ रही है कि अगर आप किसी चीज को पॉपुलर करते हैं तो उसको आप सिंपल रखें, कीप इट सिंपल ये कहा जाता है, क्या यहाँ पर जेमी बहुत बड़ी गलती ये है कि एक हर साल कुछ ना कुछ फॉर्मेट बदलता रहता है, कितने अलग अलग टीयर्स खड़े हो जाते हैं, ठीक है अब टीमें भी बढ़ रही हैं, चलिए उसका एक अलग लॉजिक भी है कि आप सबको इंक्लूसिव रखना चाहते हैं तो यू कैन नॉट फॉल्ट दैट, पर ये इतनी सारी टीमें बढ़ना, कंपेटिटिवनेस कम होना, ये कितना बड़ा एक कारण है कि डोमेस्टिक क्रिकेट बढ़ना भी चाहे तो शायद मुश्किल हो। देखिए शायद और कोई स्पोर्ट नहीं है पूरे दुनिया में जिसमें इतनी टिंकरिंग हुई है जितनी हमारी ये क्रिकेट गेम है, अगर हम बात सिर्फ करें डोमेस्टिक की, क्योंकि हम डोमेस्टिक पे ये शो कर रहे हैं, पिछले 3-4 सीजन में फॉर्मेट्स, पिंक बॉल ये सब किया, आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ फर्क पड़ा है, आई एम अगेंस्ट एडिंग टू मेनी टीम्स, क्योंकि देखो वैसे ही अगर आप देखें महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र मुंबई विदर्भ, गुजरात के अंदर सौराष्ट्र गुजरात बॉर्डर, तो वैसे ही दीज थिंग्स टू मी मेक लिटिल सेंस, हाँ पॉपुलेशन इतना है, क्रिकेट के प्रेमी थे पहले, कुछ चीजें हैं, बट आई डोंट थिंक स्टिल गोज बैक टू व्हाट अमोल वाज सेइंग, बीसीसीआई को खुद आइडिया नहीं है कि ये टूर्नामेंट क्यों चल रहा है, is it just a feeder system for test selection and to some zonal selection, I don't know, I would say chhodo abhi, there's too much tinkering because tinkering has not given you any results, off the record maine jab ye pehli baar hua tha captains ka kuch conclave hua tha dharmshala mein amol 3 saal pehle shayad, ha matlab wo har saal hota hai 3 saal pehle wo thoda वो मार्केटिंग अच्छा जानता है बीसीसीआई को खुद का, वही अब उस कॉन्क्लेव में 5 कैप्टन थे जिनसे मेरी बात हुई ऑफ द रेकॉर्ड, उन्होंने बोला भाई उसमें कुछ नहीं हुआ, हमें उसी दिन बैठे बैठे एसी हॉल में कि भाई ये कुछ नहीं होगा, बिकॉज दे देमसेल्व्स वर अगेंस्ट द होम एंड अवे सिस्टम एज वेल, तो आई थिंक फिलहाल ये सब छोड़ो जो हम बात कर रहे हैं, कोई हमारी बातें सुने हमें अच्छा लगेगा, बट गो बैक टू द होल कनेक्ट एट द ग्रास रूट लेवल विद योर लोकल स्कूल लाइक निखिल सेड, योर लोकल कॉलेजेस, सेवाग वेवाग छोड़ो, आजकल के सेवाग हैं आपने बोला 50 सेवाग हैं, गो फॉर द यंगर गाइज, द गाइज विद दैट स्पंक, द गाइज विद वो देखो जिन प्लेयर्स के पास सोशल मीडिया पुल है बहुत है आपके सामने है, वो कुछ लोग तो बेहतरीन गजब ट्वीट कर रहे हैं लॉकडाउन में, छोटे स्किट्स भी कर रहे हैं वो प्लेयर्स, टैप इनटू देम, आई एम श्योर दे हैव अ मार्केटिंग क्रू, जस्ट ट्राई दैट फॉर वन सीजन, एक सीजन मेरी विनती है इसको ट्राई करो, नतीजा जरूर अच्छा होगा। अमोल आपको कैसा लगता है जब आप ये फॉर्मेट के मैचेस जब कवर कर रहे थे, आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है जो इतनी सारी
टीमें आ गई हैं, क्या ऐसा रहा मोमेंट जब आपने ऐसे सर पकड़ लिया अपना कि ये क्या हो रहा है, कुछ ऐसे मोमेंट्स थे? अरे पिछले दो साल में तो बहुत कंफ्यूजन होता है यार, अगले साल जमीन नोएडा का टीम आ रहा है शायद अगले साल, यू कैन गिव इट अ गो। हम दोनों एक ही सेक्टर में है ना, मैं और निखिल, तो हम दोनों खेलेंगे, हम ट्राई बैटिंग। और अगर मैं थोड़ा मूव हो गया नवी मुंबई तो शायद वाशी से मैं भी खेल लूंगा। अगर अगर चंडीगढ़ का टीम आ सकता है तो फिर वाशी और नोएडा ज्यादा दूर नहीं है। जोक सपाट, निखिल आपने फॉर्मेट की बात की ना, तो मेरा मानना है कि अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करना है तो फिर आपको वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अलग से एफर्ट लेना पड़ेगा। अभी जो है चार टीयर्स है ना, वो चार टीयर में से ना बाकी तीन टीयर्स है वहां से सिर्फ प्रमोट करो ऊपर वाले टीयर में टीम्स, रणजी ट्रॉफी सिर्फ टॉप 8 या 10 टीम्स के लिए खिलाओ, सिंपल चीज है वो। अगर आप टॉप 10 या 8 टीम्स में रिस्ट्रिक्ट करोगे तो शायद वो कॉम्पिटिटिव एज ज्यादा बढ़ेगा, और वो 8 या 10 टीम्स को आप बोल दो कि आपने ज्यादा इन्वेस्ट करना है इन एवरी रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट स्टाफ, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द गेम। मोर ओवर अभी जो आप ब्रॉडकास्टर को बोल रहे हो कि आप दिखाओ मैचेस यार प्लीज, लेकिन कौन से मैचेस दिखाओगे उस पर भी थोड़ा आप ध्यान दोगे। इस साल हुआ बॉम्बे और कर्नाटका जो दो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम्स है जो रणजी ट्रॉफी की हिस्ट्री में 86 सीजन्स में, वो आमने सामने खेल रही है और वो मैच टेलीविज्ड ही नहीं है। उस मैच के हाइलाइट्स का अगर आप देखोगे ना पैकेजेस रात का जो बीसीसीआई के इंटरनल कैमरा से लगा के, तो उस मैच में हजारों हिट्स है। उस मैच में मेरा जो लाइव ट्वीट में कर रहा था वो इंटरनेशनल मैच से पैरेलल था वो उस मैच का फॉलोइंग, लेकिन वो मैच टेलीविजन पे नहीं है। कर्नाटका तमिलनाडु जो सबसे बड़ी राइवलरी है, 3-4 जो सबसे बड़ी राइवलरीज है उनमें से है, वो मैच टेलीवाइज नहीं है। तो ये थोड़ा बेसिक प्लानिंग जो है ना, थोड़ा ध्यान देना, अगर आपको सच्ची में डोमेस्टिक क्रिकेट की और खासकर रणजी ट्रॉफी की पड़ी है तो ये छोटी छोटी चीजों पर थोड़ा अगर ध्यान दिया ना तो सच्ची में फायदा हो सकता है। कहानी अर्बन लेजेंड टाइप की, जब सचिन तेंदुलकर का फेयरवेल टेस्ट मैच था, जब पूरे देश के क्रिकेट प्रेमी वानखेड़े स्टेडियम पे फोकस कर रहे, आप वही थे उस शहर में एक और ग्राउंड में, और आपने सुना एक काफी अच्छा मैच देखा था, क्या ये सच है? फॉर अ चेंज सूत्र सही बोल रहे हैं आपको जेमी। बॉम्बे दिल्ली मैच था, फर्स्ट इनिंग्स टाई बहुत कम होते, मतलब मैंने अभी जितने थोड़े बहुत मैचेस देखे रणजी ट्रॉफी के, फर्स्ट इनिंग्स पे टाई हुआ हुआ एक ही मैच देखा है जो वो बॉम्बे दिल्ली वाला मैच था। जहीर खान का आउटस्टैंडिंग स्पेल था, मिथुन मन्हास का एज यूजुअल बहुत बड़ा 100 था, लेकिन जैसे मिथुन मन्हास का एज यूजुअल स्टोरी रहा है कि ही गॉट हिज टीम through almost but fell short by a whisker, और लेकिन वो मैच देखने में बहुत मजा आया। साइमल्टेनियसली मैं हॉटस्टार पे लगा के तेंदुलकर का फेयरवेल स्पीच देख रहा था, मैं भी थोड़ा बहुत आंसू अपने डाल रहा था, लेकिन वो मैच देखने में बहुत मजा आया, वो मैच देखने में बहुत मजा आया। चलिए हम रैप करेंगे, होपफुली ये जो आपने मैच की कहानी सुनाई दिस में वर्क एज एन एडवर्टाइजमेंट, शायद जो हमारे दर्शक सुन रहे थे उनको पता चले कितने कंपेटिटिव मैच होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, शायद इसको सुनकर वो जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट देखने, चाहे वो दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में, पुणे में या कोई छोटे शहर में। बहुत बहुत शुक्रिया अमोल हमारे लिए टाइम निकालने का, जेमी आपका भी, और हम अपने जो दर्शक है उनको बताना चाहेंगे हम लगातार आपके लिए कार्यक्रम लेके आते हैं क्रिकेट के, अक्सर तो हम न्यूज के बारे में बात करते हैं हार्डकोर कि क्या कहा माइकल क्लार्क ने, क्या कहा गौतम गंभीर ने, इसका अलग मजा है, लेकिन कभी कभी हम इन चीजों पे भी चर्चा करते हैं जिससे क्रिकेट का खेल बेहतर हो सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप देख रहे थे 575 ounces।